हेलो गाइज, गर्मा फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास से आदिकालीन साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न होगा सर्वकाचार्य किस कवि की रचना है। सर्वकाचार्य किस कवि की रचना है? सरापा की, सबरापा की, कि देवसेन की, कि सालभद्र सूदी की, सूरी की। इसका सही उत्तर होगा देवसेन की रचना कौन सी है? सर्वकाचार्य। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता आशु कवि, सालीभद्र सूरी, स्वयंभू के सरहपा। इसका सही उत्तर होगा सरहपा। इसका सही उत्तर क्या है? सरहपा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? जीन धर्म सूरी, सुमतिगण, धनपाल, सालीभद्र सूरी। इसका सही उत्तर क्या है? सालीभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली। अगला प्रश्न है परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? राम सिंह है, कि जोइंदु है, कि रोडा है, कि पुष्पदंत है। इसका सही उत्तर है जोइंदु परमात्म प्रकाश के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, कि लक्ष्मीधर हैं, सोमप्रभ सूरी हैं, कि देवसेन हैं। इसका सही उत्तर है ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, कि ग्रियसन की, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसका सही उत्तर है ग्रियसन की रचना है भाषा सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दल ला लित्रेतर इंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? ये सबसे पहले तो ये लिखा किसने है? ये लिखा है गारसादत्त तासी ने। उस किस भाषा में लिखा है? अंग्रेजी में लिखा है, कि हिंदी में लिखा है, कि फ्रेंच, कि जर्मन में? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न है सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? गारसादत्त तासी है, कि जॉर्ज ग्रियर्सन है, कि गिलक्रिस्ट है, कि जेशुआ केटलर है? इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। गारसादत्त तासी ने क्या लिखा था? गारसादत्त तासी ने लिखा था इस्तवार द ललित्र इंदुस्तानी, और ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा था? ये लिखा था शिव सिंह सरोज ने। किसने लिखा था? शिव सिंह सरोज ने। अगला प्रश्न है यहाँ होगा उत्तर अपभ्रंश। यहाँ क्या है? अपभ्रंश है, अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? इसमें गणपति चंद्रगुप्त, राहुल संकृत्यान, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल। इसका सही उत्तर क्या है? राहुल संकृत्यान ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन कवि है? इसका सही लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा, के जोइंदु। इसका सही उत्तर होगा दामोदर शर्मा। क्या है इसका सही उत्तर? दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। अगला है अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद है, कि विद्याधर है, कि सोमप्रभ सूरी है, कि धनपाल है? कौन है? इसके सही उत्तर है हेमचंद। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद कवि है। अगला है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? पहला ऑप्शन एक भाग में, दो, चार, तीन। ये कितने भागों में विभाजित है? ये है चार भागों में विभाजित है। कौन? मिश्र बंधु विनोद। कौन सी? मिश्र बंधु विनोद चार भागों में विभाजित है। वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? वीरगाथा काल को
संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? गिरिशन, धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा ने ही वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी है राम कुमार वर्मा ने। आशुक कवि की रचना, आशुक कवि की रचना कौन सी है? इसमें ऑप्शन है नेमिनाथ रास, चंद्रवाल रास, स्थूलभद्र रास। इसमें से बताना है कि आशुक कवि की रचना कौन सी है? चंद्रवाल रास आशुक कवि की रचना है। अगला है पवनचरु के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, स्वयंभू। इसमें से बताना है कि पवनचरु किसकी रचना है? ये रचना है स्वयंभू की। किसकी है? स्वयंभू की। अगला है शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद है, पुष्पदंत है, स्वयंभू है, डोमबिपा है। इसमें सही उत्तर बताना है कि शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद। कौन है? हेमचंद। आगे है पाहुण दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की है कि रोडा की है, राम सिंह की है कि हेमचंद की है? ये बताना है पाहुण दोहा किसकी रचना है? ये है राहु राम सिंह की। किसकी रचना है? राम सिंह की रचना है। आगे है प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? ये है लक्ष्मीदास सबरपा, ज्योतिश्वर ठाकुर, जोइंदु। इस किसकी रचना है प्राकृत पेंगलम? लक्ष्मीधर की रचना है। आगे प्रश्न है रय कुमार चरु के रचनाकार कौन है? रय कुमार चरु के रचनाकार कौन है? स्वयंभू, पुष्पधन, सुमतिगण, रोड़ा। इसका सही उत्तर होगा पुष्पधन रय कुमार चरु के रचनाकार हैं। आगे है जय मयंक जसचंद्र का के रचयिता कौन है? भट्ट केदार, विद्यापति, केशवलाल, मधुकर कवि। इनमें से चारों में से कौन से जस कुमार चरु के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर होगा मधुकर कवि जय कुमार जस चंद्र का के रचयिता हैं। आगे हैं उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन किस रचनाकार की रचना है? जीन धर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी के जीन दत्त सूरी। इनमें से किसकी है? ये रचना है जीन दत्त सूरी की रचना है। कौन? उपदेश रसायन। आगे है कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? हेमचंद, धनपाल, सोमप्रभ सूरी, लक्ष्मीधर। इस चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से उनके रचयिता हैं। ये है सोमप्रभ सूरी। कौन है? सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? सोमप्रभ सूरी। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रसाल। इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा है? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन थे? आलोचक कौन थे? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे कि आचार्य शुक्ल थे कि राहुल संक्यांत थे कि राम कुमार वर्मा थे? इसका सही उत्तर होगा राहुल संक्यातान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल के बीज बपन काल। इसका सही उत्तर होगा बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है आदिकाल को। आगे है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ये पूछा गया है। मागधी, अर्धमागधी, सौर सैनी के ब्राचण। इसका सही उत्तर होगा सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। आगे है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी से है कि पूर्वी हिंदी से, कि पहाड़ी हिंदी से है कि बिहारी हिंदी से? इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी से बघेली हिंदी का विकास हुआ है। इसकी तीन है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी पूर्वी हिंदी में आती है, बघेली पूर्वी हिंदी में आती है
और छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी में आती है। आगे है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी सूय के मागधी के पैसाची के ब्राचण। इसका सही उत्तर हुआ होगा अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी से ही पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा, पूर्वी हिंदी से के पहाड़ी के राजस्थानी के पश्चिमी? ये है पश्चिमी हिंदी से। किस हिंदी से? पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली या कौरवी का संबंध है। आगे है, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? अब पूछा गया है अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ, ये हुआ है पूर्वी हिंदी से। अभी हमने आगे बताया था कि अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। आगे प्रश्न है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ये हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। कौन किस अपभ्रंश से? सौर सैनी से हुआ है खड़ी बोली का विकास। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? पूछा गया है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं। कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। आगे हैं, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? ये है 18। कितनी है? हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 18। 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां कितनी है? 18। कितनी है? 18। आगे प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3 आती हैं कि 4 के 5 के 10? इसमें सही उत्तर होगा 5 आती हैं। कितनी आती हैं? 5 आती हैं। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? दरभंगा, पटना, पूर्णिया, आजमगढ़। इसका सही उत्तर होगा आजमगढ़ में भोजपुरी बोली बोली जाती है। आगे प्रश्न है, मैथिली बोली का क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर, लखनऊ, चंपारण के मुंगेर। इसका सही उत्तर होगा मुंगेर। मैथिली बोली का मुंगेर, इसका सही उत्तर क्या है? मुंगेर। आगे प्रश्न है, भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल और प्रसाद प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली से है? भारतेंदु हरिश्चंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामधरी सिंह दिनकर, इनका संबंध किस बोली क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर होगा भोजपुरी बोली क्षेत्र से है। किस से है? भोजपुरी बोली क्षेत्र से है। आगे है, भाषा विज्ञान में प्राय किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? भाषा विज्ञान में प्राय किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को भाषा विज्ञान में हिंदी माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी माना जाता है। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या होगा, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी थी? इसका सही उत्तर होगा 8। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 8। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं आते? टाठा, डाढ़ा, त्रा, ग्यात्रा और रासा। इसमें से पूछा गया है कि अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं आते हैं? इसका सही उत्तर होगा ड और ढा, ये अपभ्रंश भाषा में नहीं आते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है श्रव का चार। किसकी रचना है? और देवसेन कवि की है। किसकी रचना है? देवसेन कवि की रचना है और ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। ये शिलांकृत कृति है। कैसी है? शिलांकृत कृति है। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, विश्वनाथ प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र ने इस वीरकाल की संज्ञा दी है। किसको? आदिकाल को। हिंदी साहित्य
के विभिन्न कालों का विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, ग्रियसन और गारसदा तासी। इसका सही उत्तर होगा ग्रियसन। प्रथम बार नामकरण किसने किया था? जॉर्ज ग्रियसन ने किया था। किसने किया था? ग्रियसन ने किया था। अगले है संदेश रासक खंडकाव्य के रचयिता कौन है? संदेश रासक खंडकाव्य के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान संदेश रासक खंडकाव्य के रचयिता। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाला, दलपति विजय, साधर, जगनिक। इसका सही उत्तर होगा कौन है? दलपत विजय खुमान रासो के रचयिता हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आलाखंड नाम से प्रचलित है? ये कौन सा रासो है जो आलाखंड नाम से प्रचलित है? ये है परमाल रासो। कौन सा है? परमाल रासो। इसके रचयिता कौन है? जगनिक कवि हैं। कौन है? जगनिक। निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य कौन सा है? खुमान रासो के, परमाल रासो के, बिसलदेव रासो के, हमीर रासो। इसमें से पूछा गया है कौन सा रासो गे काव्य है? ये है बिसलदेव रासो। कौन सा है? बिसलदेव रासो। आगे है परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है? ये अभी हमने बताया था, ये है जगनिक। कौन है? जगनिक कवि है परमाल रासो के रचयिता। आगे है पृथ्वीराज रासो के सागरी, यहाँ सागरी नहीं होगा, यहाँ होगा नांगरी। क्या होगा? नांगरी प्रचारणी सभा, यहाँ भी गलत टाइप है, काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय या खंड हैं? ये पूछा गया है पृथ्वीराज रासो के नांगरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो नांगरी प्रचारणी सभा काशी से संस्करण हो, उसके चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने खंड हैं, कितने समय या खंड हैं? किसके? पृथ्वीराज रासो के कितने समय या खंड हैं? 80 हैं, 69 हैं, 50 हैं? ये पूछा गया है कि कितने हैं। इसका सही उत्तर होगा 69। कितने हैं? 69 हैं। आगे है, आगे प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किस विद्वान ने माना है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे प्रमाणिक माना है। किसे माना है प्रमाणिक? पृथ्वीराज रासो को। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणिक माना है, लेकिन इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को ही माना है। पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल है। आगे प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? यहाँ क्या है? हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? इसके प्रथम महाकवि कौन है? प्रथम महाकाव्य उन्होंने पृथ्वीराज रासो को माना है, तो प्रथम महाकवि चंदवारदाई को माना है। किसने? पृथ्वीराज रासो ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है? श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंदवरदाई। इनमें से पूछा गया है कौन से रणमल छंद के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है श्रीधर है। कौन है? श्रीधर है। अगला प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की थी? जयचंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की थी? ये की थी भट्ट केदार ने। और मधुकर ने कौन सी की थी? जय मयंक जसचंद्र का मधुकर कवि की है, और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। इन्हीं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक से नाम मिलते जुलते आते हैं। अब हैं उनकी आदिकाल की कुछ पंक्तियाँ और उनके रचयिता। जैसे है पहली पंक्ति है पुरुष कहानी हो कहाँ जसुपत्व पुनु। ये किसकी कहानी है? ये किसकी पंक्ति है? ये है विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की है। यह है विद्यापति। आगे है अध्यात्म में कुछ पंक्ति हैं अध्यात्म में रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं,
उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को अध्यात्म संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यहाँ भी होगा, क्या होगा? भी। इसका आंसर क्या है? इसके ये किसकी पंक्तियाँ हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, के नामवर सिंह की, के रामचंद्र शुक्ल की, के डॉक्टर नगेंद्र की। इनमें से चार ऑप्शन में से एक सही है, ये है सही उत्तर होगा, रामचंद्र शुक्ल की हैं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? शुक्ल की। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सिंगार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? अमीर खुसरो, दलपति विजय, जगने के। इसका सही उत्तर होगा दलपति विजय के परमार रालसो से है। आगे है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चितवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति निम्न आलोचकों में से किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बालकृष्ण भट्ट की, के रामचंद्र शुक्ल की, के डॉक्टर नगेंद्र की। इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल की, ये पंक्तियाँ हैं। आगे है, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था को हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? इसके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, के राम कुमार वर्मा, के धीरेन्द्र। आगे इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। क्या है? रामचंद्र शुक्ल। थैंक यू।